हाँ जी 52 12 टाइम 075। सर आपका पिन नंबर? जी होल्ड कीजिए, सर। मोबाइल में है 15। भाई साहब किससे बात कर रहे हो आप और किसको पिन दे रहे हो? बैंकर है। अगर वो बैंकर है तो पिन नहीं मांगेगा, कुछ भी हो जाए बैंकर आपका पिन नहीं मांगेगा। कॉल किसी का भी हो, पिन, सीवीवी नंबर, ओटीपी, पासवर्ड और पर्सनल डिटेल्स ये किसी से ना शेयर करें। बी सेफ नॉट सॉरी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीन लगाने का डेमो ट्रायल अस्पताल परिसर में ही 25-25 लोगों के बैठने के लिए कोविड प्रतीक्षा रूम बनाया गया था। इसके लिए अस्पताल परिसर में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी के नेतृत्व में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। लगभग 10:30 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पहुंचे और सारी तैयारियों का जायजा लिया। रिमोट ट्रायल की जानकारी लेने जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह 11 बजे यहाँ पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा प्रतीक्षा रूम, वैक्सीनेशन रूम एवं वैक्सीन लगाने के बाद रूम को बारीकी से देखा एवं दिशा निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवाल। जिसमें आजमगढ़ में 4 स्थानों को चयनित किया गया, छह स्थानों को सर चयनित किया गया, तो क्या सर इसमें क्या होता है, तैयारी कहाँ तक सही है? बेसिकली ये ड्राई रन जो होना है, रिहर्सल जो होना है, उसका मेन पर्पस ये है कि हम पूरी तरह से इक्विप हों, कोई आपको क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसलिए पूरे प्रदेश में ये हो रहा है। तो आज वही देखा गया, यहाँ पे 3-4 चीज़ें करी गई हैं, जैसे एक प्रतीक्षा कक्ष होगा, वेटिंग रूम होगा, जहाँ पे जो भी वैक्सीनेशन लेने के लिए आएंगे लोग वो रुकेंगे, वेट करेंगे और बारी बारी से अंदर जाएंगे, जितना जब अंदर वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन से पहले वेरिफिकेशन करना है कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसके बाद उनका वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन के बाद उनको 45 मिनट एक पोस्ट को वैक्सीनेशन एक रूम तैयार किया गया, वहाँ पे भी रखने की व्यवस्था है, जहाँ पे सारी जानकारियाँ दी जाएंगी कि आपको आगे क्या केयर करनी है और कैसे किस कौन सा टोल फ्री नंबर, सारी चीज़ें उनको जानकारी दी जाएंगी। उसके अलावा इमरजेंसी के लिए भी व्यवस्था की गई है, इन केस अगर कुछ होता है, वैसे ऐसा कुछ आया नहीं है अभी तक और पूरी तरह सेफ़ है कोरोना की वैक्सीन। तो सारे प्रोटोकॉल्स, क्योंकि जो इंटरनेशनली प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे व्यवस्था देखी गई है, तो उसी को देखने आ जाए। जिले में लगभग कितने लोगों को प्रथम चरण में वैक्सीन लगनी है? 16,000 रजिस्टर्ड हैं, करीबन 16,000 के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं और प्राइवेट और सरकारी अस्पताल मिला के वो सभी रजिस्टर्ड हैं, तो पहले फेज में उन सबको वैक्सीनेशन के लिए तैयारी की जाए। जैसा कि सर पहले जो दूसरे वैक्सीन लगने के बाद जो प्रतीक्षा रूम बनाई गई है सर, उसमें इनके प्रकरण अगर कोई किसी के अंदर दवा ही है सर अगर रिएक्शन करता है तो प्रथम चरण में उसको यहाँ उपचार की क्या व्यवस्था की गई? पूरी व्यवस्था AFI रूम भी बनाया गया है, वहाँ पे सारी मेडिसिन उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, ट्रेन डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे, इनकेस अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो सारी चीज़ों के साथ यहाँ पर उपलब्ध है।